लखनऊ के भाइयों ने टुंडे के कबाब भी ज़रूर खाए होंगे और वाजपेयी की कचौड़ी भी ज़रूर खाई होगी, बट आपने क्या मटरिया की मशहूर बर्फी खाई है? अब आप जो यंगस्टर्स हैं वो बोलेंगे कि ये कहाँ का हमें जो है वीडियो दिखा रहा है ये, तो आपको कहना चाहेंगे कि मशहूर की डेफिनेशन आप क्या बोलते हैं। तो आप देखिए कि ये मटरिया जो है, मटरिया एक जगह का नाम है लखनऊ के करीब, आपको एड्रेस भी बता देंगे बाद में, अगर आप जहाँ तक देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जगह जगह आपको दुकानें जो है दिखेंगी और वहाँ पे लिखा दिखेगा कि मटरिया की मशहूर बर्फी। मगर हम अभी खड़े हैं जो सबसे पुरानी दुकान थी जहाँ से ये चीज़ की शुरुआत हुई। तो ये हेरिटेज का चैनल है, यहाँ पे जो है शोबाजी का कोई काम नहीं। जो होटल वाले जो है मैसेज करते हैं कि हमारा नया रेस्टोरेंट खुला है, उन सबसे हमें कोई लेना देना नहीं, मगर ये पुरानी जगह है तो इसके बारे में भी हम जानेंगे यहाँ से यहाँ पे। मगर उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अभी लखनऊ से थोड़ी दूर, अराउंड 25 किलोमीटर की दूरी पे हैं। पहले तो ये क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई कि इस बर्फी की वजह से आपके गांव का जो है नाम मशहूर हो गया है? हमारे बुजुर्ग पिताजी थे रामलाल, अच्छा, जिनके हाथ से बनी हुई बर्फी है, हाँ, उन्हीं के द्वारा ये मशहूर हुई थी, यहाँ का नाम हुआ गांव का, अच्छा, और ये उन्हीं के हाथ की बनाई हुई चीज है, उन्हीं के हाथ की बनाई। हम लोग सैकड़ों साल से इसका प्रचार कर रहे हैं, अच्छा, बेच रहे हैं। अच्छा, एक कहानी हमने किताब में पढ़ी थी जो है कि कहानी ये थी कि जो है दूध एक बार फट गया था जो है, तो उससे फिर ये इसकी एक तरह से, नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, अच्छा, ये ऐसे ही किस्से कहानियों में बनती चली जाती है। तो अब आप बर्फी लखनऊ के भाइयों को दिखाइए, तो कहाँ पे है भाई वो बर्फी जो है, थाल ले आओ भाई। तो ये जगह जो है, ये ऐसा नहीं है कि, देखिए कोई बुरा ना माने, बट लखनऊ में हम जो है, हम एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम जो है 1300-1400 रुपए की बर्फी अक्सर खाते नहीं है, इतनी महंगी बर्फी। और ये बर्फी जो है, जो इतनी मशहूर, जो एक हेरिटेज से रिलेटेड, और इसकी ख़ास बात ये कि सेमी सॉलिड बर्फी है। ये देखिए, ये एक ऐसी नहीं है कि ये कतली कतली वाली बर्फी है, ये सेमी सॉलिड। और इसका भाई कितने रुपए किलो है ये? 300 रुपए किलो है। तो यही दुकान अगर लखनऊ में होती तो शायद ये 3000 रुपए किलो बर्फी मिलती मेरे हिसाब से, क्योंकि गांव का आदमी अभी भी जो है लूटने में मेरे हिसाब से विश्वास नहीं रखता है। तो अगर आप ये बर्फी खाने आना चाहते हैं मटरिया गांव, तो उसका एड्रेस भी आपको बता देंगे एक मिनट में। तो कम से कम जो है, अगर आप नहीं भी आ रहे हैं तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो गांव के एक पुराने हेरिटेज से जुड़े बिजनेस है उनको सपोर्ट करिए। और लखनऊ के जो रेस्टोरेंट वाले हैं जो हमें कहते हैं पैसे ले लो और हमारे बना दो, तो भाई आपका नहीं बन पाएगा। तो अब आप बताइए, अगर लखनऊ से कोई आना चाहे दुबग्गे से, तो कैसे आए रास्ता? सर्विस रोड से आ जाए। सर्विस रोड से, हाँ बताइए, हाईवे का रोड है, अच्छा, इसके पास से सर्विस रोड है, ये पासी में मिला हुआ, वहाँ से 17 किलोमीटर है, पड़ता है किलोमीटर वो है। चलिए हम कोशिश करेंगे, हम इसको लिख भी दें जो है। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ के। और कई बार ऐसा होता है, हम बीच में मोती महल, जो आपका मोती महल रेस्टोरेंट है, वहाँ भी गए एक दोस्त के साथ, दिल्ली से आया था, मगर वहाँ भी हम वीडियो या फोटो नहीं खींच पाए। आज एक ढाबे पे गए थे बहुत अच्छे, वहाँ का भी फोटो वीडियो नहीं खींच पाए, क्योंकि कई बार शर्म आती है जो है कहीं पे एकदम से वीडियो बनाने लगो। बट अब कोशिश करेंगे आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी जगहें भी लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद।